नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री गुजरात से आप देख रहे हैं और आज हमारा काफिला है गीर सोमनाथ में। सोमनाथ जिसकी धार्मिक महत्ता के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गीर सोमनाथ जहां गीर के जंगलों के बारे में बखान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही काफी नहीं है। गीर सोमनाथ का जितना धार्मिक महत्व है, जितना वन संपदा का महत्व है, उतना ही राजनीतिक महत्व भी है। मैं यहां पर सबसे पहले आज के अपने मेहमानों को आमंत्रित करता हूं और उसके बाद क्या राजनीतिक महत्व है गीर सोमनाथ का, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कांग्रेस से पीसीसी सेक्रेटरी नुसरत पांजा जी को, आप आए मंच पर। इसके साथ हीरा भाई राम जी आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है हीरा भाई राम जी, आप स्टेट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट झावेरी भाई सरकार जी हैं, आप आइए, बहुत बहुत आमंत्रित कर रहा हूं मैं आपको। और आपके साथ जगदीश भाई फोफंडी जी हैं जो कि नगर पालिका प्रेसिडेंट हैं, आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दीजिए एक बार। और आइए, जब तक ये पोडियम पर अपनी जगह लेते हैं, गीर सोमनाथ के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती हुई एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आता है गीर सोमनाथ जिला। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का मंदिर इसी जिले में है। तो गीर भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र गढ़ होने की वजह से सैलानियों का बड़ा केंद्र है। फिलहाल 9 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए गीर सोमनाथ में चुनावी हलचल तेज है। जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें सोमनाथ, तलाला, कोडिनार और ऊना शामिल है। पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो ये इलाका कांग्रेस का गढ़ नजर आता है। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव के बाद बाजी पलटी और फिलहाल मुकाबला बराबरी का है। 12.5 लाख की आबादी वाले गीर सोमनाथ में मछली पालन बड़ा कारोबार है। यहाँ कई फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्री मौजूद है। इलाके की बड़ी चुनावी समस्याओं में चीनी फैक्ट्रियों का बंद होना है। इसके अलावा किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलना, शहर और गांवों के बीच का रास्ता बेहद खराब होना, तो साथ ही ऊना में दलित पिटाई का मामला भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो आपने देखा गीर सोमनाथ के राजनीतिक महत्व को, आपने समझा यहाँ कितनी सीटें हैं। 4 सीटें हैं, 3 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास। तो आइए कांग्रेस से ही पहला सवाल हम लिए लेते हैं। आज मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की साहब, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जितना कीचड़ कर रहा है उतना कमल खिलने में आसानी होगी। कमल तो 22 साल से गुजरात में खिला हुआ है और गुजरात का विकास जो पगला गया है, कांग्रेस का विकास और बीजेपी के विकास। कल तो जब तीसरी लिस्ट आई तो आपका भी कार्यकर्ता पगला गया अहमदाबाद में, वहां आग वाग लगा दी, सब तमाम आगजनी कर दी, मनपसंद कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला। तो हर कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तरह से टिकट मांगे, टिकट देना वो केंद्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी। गाड़ियों में आग लगाकर टिकट मांगेंगे, ये पहली बार नहीं बना है। कांग्रेस में भी हुआ है, भाजपा में भी हुआ है, इतर पार्टी में भी हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कांग्रेस को लो, अगर आप एजेंडा लेके आए हो बीजेपी की तरफ से तो बात अलग है। आप मेरे शोज देख रहे होंगे और आप एबीपी न्यूज की तमाम खबरें देखते होंगे, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे अफसोस है। नहीं तो मुझे अफसोस है कि कल तो बात बीजेपी में भी हुई है और कांग्रेस में भी हुई है, तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी उनके पास गया कहां, मैंने अभी उनसे बात की कहां। नहीं तो आपको बताना चाहिए कि दोनों क्या है। दोनों जगह हुई है, किसी ने रिजाइन किया है, पूरी पूरी जिला पंचायतें टूटी है, तालुका पंचायतें टूटी है। आप सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने आगजनी की, बात सही नहीं है। नहीं नहीं, कल अहमदाबाद में जो तीसरी लिस्ट आई उसके बाद जो हुआ उस पर आपसे मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं। चलिए उनसे भी बात कर लेता हूं। यहां जनता से मैंने बात की, मोदी साहब कह रहे हैं कि जितनी कीचड़ होगी उतना कमल खिलेगा। लोग कह रहे हैं 22 साल से बीजेपी ने भी कीचड़ कम नहीं किया है। जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है, उसके लिए जरूरी है कि कीचड़ कर दो पूरे प्रदेश में। है वो खिलने की जरूरत नहीं होती है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। नहीं तो इसीलिए आपने पूरे प्रदेश को कीचड़ कर दिया ना। कीचड़ नहीं किया है, कीचड़ था वो साफ कर दिया है। कीचड़ साफ खिलाया है तो कीचड़ अगर साफ कर देंगे तो फिर आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कीचड़ होना जरूरी है कमल के लिए। कमल में, कमल के लिए कीचड़ होना चाहिए वो बात सही है, पर वो गलत हो गया दाव। मुझे लग रहा है कीचड़ कमल का कॉम्बिनेशन गलत है, गलत उदाहरण दे गए मोदी साहब। कमल खिलाने के लिए जरूरी है, पर कमल को तैयार होने में, तैयार हो जाएगा कीचड़ में, बाद में तो भगवान के सिर पर जो चढ़ता है तब कीचड़ नहीं होता है, वो साफ सुथरा होके चढ़ता है। चलिए रात में भी साफ सुथरा होके यह कमर तैयार किया है। ठीक है, जो यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन मैगजीन में पिछले दिनों कार्टून छपा था उसका विवाद भी हुआ और उस पर भी मोदी साहब ने आज साफ तौर पर कहा कि मैं चाय तो बेच सकता हूं, देश नहीं बेच सकता। इशारा उनका कांग्रेस और राहुल गांधी पर ही था। सही है। नहीं मैं क्या बोलता हूं,
वो सब फेंक वाली बातें हैं सब, वो ऐसा ही करेंगे। फेंका तो आपने भी था, युवा कांग्रेस के जो पोर्टल पर आया वो भी फेंका हुआ ही था। नहीं नहीं, ऐसा यूथ में ही होता ही नहीं है, आप जो भी बताते हैं वो सही है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यूथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो मोदी जी जब बातें करते हैं वो फेंकने वाली बात है, वो बोलते थे कि हम गुजरात मॉडल दिखाकर सारे इंडिया पे अभी वो पीएम बनकर बैठ गए है, चाय बेचने वाले भी तो जनता ने बिठाया। नहीं, वो बोला था कि गुजरात मॉडल है, हमने गुजरात में इतना इतना विकास किया, इतना वो किया, इतना वो किया। जो भारत के लोग यहाँ आते हो तो उनको अब मालूम होता है कि गुजरात में क्या क्या है, गुजरात की परिस्थिति क्या है। अभी जो बीजेपी प्रमुख ने बताया कि किशन में ही खिलता है, अरे भाई पानी में खिला वो नहीं, किशन में क्यों? कमल तो पानी में भी खिल सकता है, खिलाना चाहिए तो आप। बहुत बढ़िया बात की, कमल तो पानी में भी खिल सकता है, कीचड़ में क्या जरूरत है। चलिए वो छोड़िए, मैं ये पूछना, अच्छा उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस को खबर ही नहीं है कि कमल कहां खिलता है। कमल खिलाने के लिए कीचड़ की जरूरत होती है, वो कांग्रेस को मालूम ही नहीं है। मतलब विपक्ष ने जो कीचड़ उछाला है वो काफी है, या सत्ता में अगर दोबारा आ गए तो और कीचड़ करेंगे आप भी? वो तो आप कांग्रेस का वहीवट से, कांग्रेस का भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार कांग्रेस का कैसे हो सकता है, 22 साल से सत्ता तो आपकी है, भ्रष्टाचार तो आपका होगा अगर होगा। साहब कांग्रेस में 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब हर दिन, तब यहाँ आपकी सरकार थी, तो हमारे सरकार में एक भी कांग्रेस की सरकार थी तो एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने नहीं ला सके है। और कांग्रेस के 19 मंत्री जेल में गए थे, हमारे यहाँ हमारा पीएम है, हमारा सीएम है, एक भी आदमी पर अभी कीचड़ नहीं लगा सके। एक भी आदमी पर कीचड़ नहीं लगा सके, 22 साल से खूब विकास भी हुआ, तो पीएम को ताबड़तोड़ इतनी जल्दी जल्दी रैलियां करने की क्या जरूरत थी? आज उन्होंने 4 रैलियां वो कर रहे हैं, 24 सीटें कवर कर रहे हैं, क्या जरूरत थी? इतना काम किया, जनता अपने आप वोट दे देगी। सर आप ये भलीभांति जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और इसमें हम फील्ड वर्क। कांग्रेस डिसिप्लिन पार्टी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल भी डिसिप्लिन पार्टी नहीं। आप जानते हैं क्या हो रहा है, आप अभी ने अभी आपने उदाहरण दिया अहमदाबाद में क्या हुआ। तो हम लोग जब भी काम करते हैं वो पूरे तन मन धन से करते हैं। जब हम चुटनी लड़ने के लिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए आते हैं तो हमारे पीएम जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये बात को भली भांति बहुत सीरियसली लेके ही इलेक्शन प्रचार में निकलते हैं। हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ये इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है। इलेक्शन को सीरियसली लेते हैं और प्रचार के लिए जादूगरों को भेजते हैं आप? प्रचार करने के अलग अलग माध्यम होते हैं। आज आप राहुल गांधी कह रहे हैं एक जादूगर काफी नहीं था क्या? राहुल गांधी कहते हैं, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी बोलते रहें, क्योंकि राहुल गांधी जितना बोलते हैं हमारा फायदा इतना होते रहता है। और बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनने के लिए जरूरी है कि राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं। राहुल जी की जो बातें पहले हम सुनते थे और आज सुनते हैं, राहुल जी ने पिछले गुजरात चुनाव में जितनी रैलियां की है उससे वो एस्टेब्लिशमेंट आया है और एस्टेब्लिश लीडरशिप हुई है। मैं जवाब दे दूं, पहले प्रमुख श्री ने बताया जवेरी भाई ने कि भ्रष्टाचार, मैं सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि वसुबेन त्रिवेदी को जामनगर से टिकट क्यों नहीं किया अगर भ्रष्टाचार नहीं किया था? अगर भ्रष्टाचार नहीं किया था तो वसुबेन त्रिवेदी को टिकट क्यों नहीं दिया है? पूछ लेता हूं, तुरंत फिर आता हूं, बताइए क्यों नहीं टिकट दिया? टिकट में तो पार्टी जो है नए नए लोग को टिकट देते हैं, तो यह बार पार्टी ने सोचा कि भाई वसुबेन के नहीं दूसरे को टिकट देने का है, तो पार्टी ने टिकट दिया है, वो तो पार्टी तय करती है। चलिए इनकी पार्टी में तो नए नए लोगों को टिकट देते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में क्या प्रॉब्लम है? जिग्नेश मेवाणी ने मना कर दिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए, अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ते तो हार जाते ऐसा लगता था क्या उनको? जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस पार्टी के कोई नेता नहीं है, जिग्नेश मेवाणी कॉमरेड है, वो कम्युनिस्ट है। फिर भी आपने टिकट ऑफर किया, उन्होंने कहा मैं टिकट पर नहीं लड़ूंगा कांग्रेस के? बिल्कुल गलत बात, गलत बात है जिग्नेश की बात। तो फिर आपने अपने कैंडिडेट को क्यों बिठा दिया उनके समर्थन में? देखो हमको कैसे भी करके इस गुजरात में से 22 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया है, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा होता है कि सत्ता में आना और लोगों के विकास के काम करना। तो मतलब आपको लग रहा था जिग्नेश मेवाड़ी के लिए अपना आदमी बिठा दो क्योंकि हम हार जाएंगे, जिग्नेश जीत सकते हैं? हमने सिर्फ एक नहीं, हमने टोटल 11 सीट बिठावाई, हमने JDU के भी दिया है और लोगों को भी दिया है टिकट है। और जिग्नेश मेवाणी साहब इतना घबराते क्यों है टीवी वाले सब? अल्पेश, जिग्नेश या हार्दिक, ये हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन गुजरात की सरकार जरूर बदल। अरे हार्दिक, अच्छा गुजरात की सरकार जरूर बदलेगी क्योंकि ये
विकास विकास की बात आप करते हो। नहीं, विकास की बात तो आपने विकास को तो पागल कह दिया, लेकिन अगर आरक्षण की बात करें तो राजनाथ सिंह साहब ने साफ कहा कि हार्दिक और कांग्रेस मिलकर गुजरात की जनता को, गुजरात के पाटीदारों को बेवकूफ बना रहे हैं आरक्षण की बात पर। आरक्षण की बात है, वो कानूनी मुद्दा है, संवैधानिक तौर से जितना भी जिसको जो समाज को मिलता है उसको मिल, और मांगना बुरी बात नहीं है, हर कोई मांग सकता है आरक्षण, हम भी कल उठ के मांग सकते हैं आरक्षण, मिलता है नहीं मिलता है वो सरकार को देखना है। आज अगर सरकार टिकट तो नहीं दिया आपने जो मांग रहे थे उनको, उन्हें टिकट मांगा ही नहीं है, हार्दिक की पार्टी ने टिकट नहीं, हार्दिक नहीं जो कल अहमदाबाद में, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप घूम घुमा के टिकट की बात करोगे तो फिर हमको भी ज्यादा वक्त दो आप, नहीं, टिकट की नहीं, पूरा वक्त दे रहा हूँ आपको, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा शो की, किस किसको ज्यादा वक्त दिया पता चल जाएगा। एक एक टिकट, 4000 लोगों ने टिकट मांगा, टिकट 182 में से 17 को हमने अलग से दिया टिकट, मेरी बात सुनो। और बात रहे अगर आप कोई फिक्स एजेंडा के साथ आया तो अलग बात, अभी भी आपको लग रहा है फिक्स एजेंडे के साथ, तो फिर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आए, पूर्वाग्रह समझते हैं आप? मैंने आपकी बहुत सारी डिबेटर देखी है, आप हमारे अच्छे मित्र हो, लेकिन अगर वक्त सबको देते हो और सवाल पूछना है तो तात्विक सवाल कीजिए, कि इस सीट के लिए तो आप सवाल ही नहीं पूछते हो। इस सीट पर तो मैं आऊंगा ना, पहले मैं नेशनल सिनेरियो पे तो बात कर लूं जो हलचल हो रही है। नेशनल सिनेरियो पे गुजरात का इलेक्शन है, सीएम बदलने का है पीएम बदलने का नहीं है, मेरी बात सुनो, सीएम बदलने का है पीएम बदलने का नहीं, और फिर भी पीएम मतलब पीएम बदलने का नहीं है, मतलब 2019 में भी नहीं बदलेगा, 2019 में तो अलग बात आएगी, सिर्फ जब गुजरात ये इलेक्शन में, ये इलेक्शन की बात, ये इलेक्शन में, ये इलेक्शन की बात करता हूँ, ये इलेक्शन सीएम बदलने का है, पीएम बदलने का तो है नहीं। और अगर विकास अच्छा था, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा शासन, चलिए मैंने मान लिया आप सीएम बदल देंगे, मेरी बात तो सुनो, अगर अच्छा शासन था तो क्या जरूरत पड़ी मुख्यमंत्रियों को बदलाने की, बताइए मुख्यमंत्री क्यों बदलाया गया? क्यों आनंदी बेन गई, क्यों विजय रूपाणी आए, पूछूंगा मैं, लेकिन आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदलने का वक्त आ गया है, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस का? हमारा मुख्यमंत्री, हमारा जितने भी विधायक जो चुने जाएंगे उस मीटिंग में जिस नाम का तय होगा और उसको हमारा शेष नेतृत्व जिसको स्वीकृत करेगा वही सीएम। नाम बता दीजिए ना, अब तक तो अंदर खाने चर्चा हो रही होगी, जीतता कौन है तो बताइए, जीतता कौन है, क्या 182 आज भाजपा बता सकती है कौन जीतता है? भाजपा बता सकती है कौन जीतता है? ठीक है, मैं मुख्यमंत्री वाला सवाल आपका पूछता हूँ, मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? आनंदी बेन को जाना पड़ा, विजय रूपाणी को आना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? वो तो हर पार्टी में, नहीं हर पार्टी में तो नहीं होता, हर पार्टी में पार्टी है वो तय करती है, पार्टी को जरूर लगती है कि भाई ये मुख्य, तो मतलब आनंदी बेन का नाम गलत तय हुआ था? बिल्कुल सही हुआ था, आनंदी बेन ने बहुत काम किया है, मेडिकल क्षेत्र में काम किया है, फिर बैठना क्यों पड़ा उन्हें? काम किया है, पार्टी ने ऐसा लगा कि भाई अब विजय भाई को काम करने के लिए देने का है तो विजय भाई को बनाया। तो अब किसके चेहरे पर वोट दे जनता? कल को आप विजय रूपाणी जी के लिए वोट मांगेंगे और बिठा देंगे किसी और को? अभी जो कांग्रेस ने भी पार्टी सीएम तय नहीं किया है, अब मोदी जी नहीं है आपके साथ, पिछला इलेक्शन तो आपने मोदी जी का चेहरा दिखाकर जीत लिया, अब क्या करेंगे? मोदी जी हमारे साथ है, मोदी जी एक एक विधानसभा में घूमते हैं और मोदी जी हमारा आस्था का श्रद्धा का, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है ना, सब है, अमित भाई है, मोदी जी है, विजय भाई है, नाम ही नहीं ले रहे किसी का, हमारे यहाँ तो लाइन लगी है, मोदी जी के अलावा नाम ही नहीं ले रहे, राहुल जी के अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास राहुल जी के अलावा कुछ नहीं है, एक जवाब ले लूं फिर जनता के पास जाऊं? बिल्कुल गलत है, कांग्रेस 128 30 साल पुरानी पार्टी, 130 साल पुरानी पार्टी। अच्छा गुजरात में बताइए कांग्रेस के पास कौन कौन है? राहुल गांधी तो ठीक है, नेतृत्व हो गया, गुजरात में भी 1 से 16 तक हमारे पास लोग हैं, आप गिनती में जाओगे तो सर चाहिए तो 182 ना, मतलब आपको अगर बहुमत का आंकड़ा चाहिए तो आपको कम से कम 100 से ज्यादा। हम इस इलेक्शन में जिस तरह भाजपा का सिनारियो दिख रहा है और लोगों के बीच में जो भावनाएं हैं, हम तकरीबन 108 में उनको भेजेंगे वापस, हम लोग 108 लेके जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं 151 आएंगी, मोदी जी कह रहे हैं आज 151 सीटें मिलेंगी, मोदी जी को कितने भी मिल सकती है, मोदी जी की कौन, अगर उन्हें 151 मिल गई तो आपका खेल खराब हो जाएगा भैया। मोदी जी को तो मेरी बात सुनो कि मोदी जी तो ऐसा बताते थे कि 10 साल के यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों अब्जों रुपए का गमन हुआ है, साढ़े 3 साल हुए एक आदमी को कांग्रेस की जेल नहीं भेजा है। चलिए मैं अब जनता के सवाल ले लेता हूँ, जनता से सवाल, यहाँ से गीर सोमनाथ से जुड़े सवाल, क्या समस्या है? इधर तो बहुत ही प्रॉब्लम है, कोई विकास का काम होता नहीं है, पूरा कीचड़ कादिल से गुवा से है, पूरा गंदगी है, इधर का जो भाजपा का एमएलए है वो इस बार 100% हारने वाला है, क्योंकि नया जो जनरेशन है वो बीजेपी के खिलाफ है और कोली समाज का बहुत ज्यादा वोट है, कांग्रेस साथ आया है तो बीजेपी वाला नासी पास हो गया है। ठीक है, और कोई सवाल? ये बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि गुजरात में 22 साल से हमारा शासन है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ गीर सोमनाथ का इलाका है यहाँ पे कोई भी प्रकार की नई इंडस्ट्री नहीं है, नया डैम नहीं आया, कोई उद्योग नहीं आए, किस तरह से ये विकास की बातें कर रही है? किस तरह से विकास की बातें, मैं पूछता हूँ,
इधर से कोई सवाल? कोई सवाल जी पूछिए। गुजरात में नीचे से ऊपर से ले बीजेपी की सरकार है, फिर भी वेरावल में गटर का पानी क्यों पिलाया जा रहा है? मैं बीजेपी वाले को से पूछना चाहता हूं। गटर का पानी क्यों पिलाया जा रहा है? पूरे शहर में कीचड़ है, कमल खिलाना होगा आपको। और दूसरी बात, अभी मैं सोमनाथ मंदिर गया था दर्शन के लिए, वहां पर भी गंदगी है, वो भी साफ नहीं करवा पाया। सोमनाथ मंदिर के पास गंदगी है नहीं, वेरावल में गंदगी। तो मैं क्या देख कर आया? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। गंदगी के नाम पे कांग्रेस वाला गलत प्रचार कर रहा है। वेरावल में राजूला से सोमनाथ 400 करोड़ रुपया की योजना से पानी की योजना है, पीने का पानी की, वो नरेंद्र भाई मोदी और विजय भाई रूपाणी ने तय की है। आज टैंकर की जो संस्कृति थी, हैंडपंप की जो संस्कृति थी, वो भाजपा ने खत्म कर दी है। और नर्मदा का पानी 700 किलोमीटर दूर से लाके यहाँ पर घर घर पहुंचा दिया है, वो कांग्रेस को नहीं। वो तो कह रहे हैं गटर का पानी पिला रहे हैं आप। मैं जवाब देता हूँ, गटर का पानी बिल्कुल नहीं पिला है। कभी कभी कहीं एरिया में कहीं अगर लाइन टूट गई और एक आध बार गटर का पानी आ गया गलती से, अगर लाइन मिक्स हो गई, तो ये लोग उसको मुद्दा बना के चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने पिछले 4 सालों में जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है और उसके अलावा वाटर सप्लाई की जो सिस्टम है, इतनी शहरी विस्तारों में इतनी प्रबल कर दी है। चलिए वो मुझे नहीं, जनता को बताइएगा, वो जनता के काम आएगी। इधर से सवाल लेता हूं जी, पूछिए। पहले ही तो बात में ये बता लूं कि सोमनाथ के बारे में आप बता रहे हैं कि सफाई का प्रॉब्लम है। आज से 2 दिन पहले ही पूरे भारत देश के अंदर सोमनाथ एरिया आइकॉनिक सिटी के तौर पे उसको प्रस्थापित किया गया है, और वो सिर्फ सफाई के कारण। सर मैं हेरिटेज सिटी द्वारका भी देख कर आया, वहां की भी हालत बहुत खराब है। आप अगर सिटी द्वारिका से सोमनाथ की कंपैरिजन करोगे तो ऑलवेज सोमनाथ बेहतर है, वो ये प्रस्थापित थे। और दूसरी चीज, हर बार कांग्रेस वाले बोलते हैं कहीं यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि यहाँ पे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे लाइमस्टोन का जो डिपॉजिट है वो लाइमस्टोन का डिपॉजिट अभी खत्म हो गया। लेकिन उसका भी तो निदान करना होगा। कोई सवाल इधर से जी। यहाँ सभी लोग कांग्रेस वाले मेरे दोस्त कब से चिल्ला रहे हैं, 22 साल से भाजपा की सरकार है, 22 साल झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तो 22 साल से सरकार है, ये साबित करती है कि लोगों को भाजपा पे विश्वास है, इसलिए उनको शासन में कभी आने नहीं दिया है। ये मैं पूछूंगा सवाल जी। मेरा कहना है कि ये लोग बोल रहे हैं कि गटर का पानी पिला रहे, तो सर जी आप एक बार सोच लीजिए, गटर का पानी पी सकते कि नहीं पी सकते? तो ये जिंदा कैसे है? तो ये लोग गलत, मतलब ये जो बात चला है ना, इसे सदातर गलत है। हम लोग, मेरे को पता है मैं मीठा पानी और नर्मदा तो पानी ठीक आ रहा, मतलब ना ठीक है। महिलाओं का कोई सवाल जी। और हम ये बोल रहे हैं कि वेरावल में कोई विकास नहीं हुआ। आप देखो कितनी अच्छी बॉयज स्कूल बनी है, जहाँ पे बेंच नहीं थी उसकी जगह पे कोई यूनिवर्सिटी हो राजकोट की ऐसी बनी है। फिर आगे देखो आप हॉस्पिटल देखो, जहाँ बेड भी नहीं था वहाँ 350 बेड की हॉस्पिटल डाली। इन लोगों को विकास दिखता ही नहीं है, इन लोगों को सिर्फ फॉल्ट ही दिखता है। चलिए इधर से कोई सवाल, कोई सवाल जी पूछिए। वेरावल नी अंदर में हमारा जालेसर विस्तार नी अंदर में, अरे हिंदी में बोल लीजिए चाचा, जालेसर के अंदर में अभी सुधी कोई लाइट या पानी गटर का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। लाइट पानी गटर का बंदोबस्त नहीं हुआ। चले मैं लेकिन कांग्रेस से जरूर पूछना चाहूंगा कि ये सवाल आया था कि अगर 22 साल से बीजेपी गड़बड़ झाला कर रही है तो जनता हटा क्यों नहीं रही उसको? 2 दिसंबर 2012 गोंडल में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैंने गोंडल को 4,700 करोड़ रुपया दिया है, यानी 4,700 करोड़ रुपया गोंडल शहर को हुआ, जिसकी कुल आबादी 1,12,000 लोगों की है। तो 1,12,000 करोड़ के लिए अगर 4,700 करोड़ रुपया दिया हो, तो प्रभु श्री बता रहे कि 400 करोड़ वेरावल को दिया, तो वेरावल की आबादी तो 1,32,000 है, यहाँ क्यों नहीं दिया? सोमनाथ से शुरू की यात्रा से दिल्ली पहुंच गए, लेकिन सोमनाथ के विकास के लिए गोंडल को 4,700 करोड़ रुपया दे सकते हैं, वेरावल को 400 करोड़ रुपया क्यों दिया? क्या वेरावल सोमनाथ सिर्फ राजनीतिक तौर पर? चलिए आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन क्या कांग्रेस विकास की बात करके फंस नहीं रही है? आज मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि हम विकास करते हैं, और आप यानी कांग्रेस विकास के नाम पर ड्रामा? बिल्कुल नहीं, हम ड्रामा नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि 22 साल शासन रहा गुजरात में भाजपा का, फिर भी विकास अगर वेरावल में दिखता है तो कांग्रेस के शासन का दिखता है। एक भाजपा के शासन के अंदर विकास कांग्रेस का आपको ताजुब होगा, ठीक है? वेरावल में एक हॉस्पिटल बनी है, बिरला सेठ ने बनाई है, इंडियन रायन
फैक्ट्री वाले। चलिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। नहीं मेरे पास समय, मेरे बात तो सुनिए, बात तो एक लाइन में। मनमोहन सिंह जी ने एक एक्ट बनाया था इनकम टैक्स में कि जिस इलाके में कोई इंडस्ट्री है उसका कुल नफे का 2% अगर उस इलाके में यूज किया जाएगा उसको विकास कहते हैं। और कांग्रेस ने ये कानून लाए थे, भाजपा के शासन में ये इंडियन रेल की हॉस्पिटल नहीं बनी है, ये कानून के तहत बनी है। ये तो तालियां बजाने वाली बात है, ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस आपका भला करेगी या बीजेपी या कोई और पार्टी या कोई और प्रत्याशी, ये जनता को तय करना है और उन्हीं के विवेक पर ये छोड़ दिया जाता है। इस अपील के साथ कि वोट यानी मतदान जरूर कीजिएगा। कल के बारे में आपको बता दूं, कल सुबह 10 बजे से एबीपी न्यूज पर लगातार गुजरात शिखर सम्मेलन देखिएगा। कल हम आपको इस समय भी गुजरात से शिखर सम्मेलन दिखाएंगे और परसों 5:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री बोटाड से होगा। अभी इजाजत दीजिए लेकिन देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।